साड़ी स्टाइल में भटवाणी का साग, हरी सब्जी और चावल भी बन चुके हैं। हाँ, उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध साग माना जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का साक्षी नेगी ब्लॉग में। और उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, कि आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह 9 बजे से। आज का ना मौसम ही ऐसा हो रहा है कि मेरी तो आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। आंखें धूप में बिल्कुल छोटी सी हो जा रही है। कि आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग की मैंने अपनी छोटी सी क्यारी से, और इस क्यारी की ना मम्मी ने कल परसों गुडाई की थी अच्छे से। और क्यारी में हो रखी है ये चौलाई की सब्जी, और इसकी ना सब्जी बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे एक कद्दू की बेल भी हो रखी है, और कुछ ये मिर्च के पौधे जो कि पुराने हैं, साथ में ये बड़ा सा एलोवेरा, और उधर पे है एक बैंगन का पौधा। एक देसी पालक का बड़ा सा पौधा भी हो रखा है, पूरा उधर से इधर तक इसकी जड़ें फैल रखी हैं। और ये ना हम मुरादाबाद से लाए थे। इसकी अगर ना आप ऐसे टहनी तोड़ के भी ना कहीं पे डाल दोगे तो ये सीधे लग जाती है। तो हम भी टहनी ही लाए थे, और उसी टहनी से यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर तक बहुत सारा पालक हो रखा है। यहीं पे देखो एक फूल का पौधा भी हो रखा है। इसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर इतना जरूर पता है कि इसकी जड़ों पे ना आलू जैसा कुछ रहता है। तो कहीं लोग इसको ना आलू वाला फूल भी बोलते हैं। आज मम्मी और भैया तो खेत में गुड़ाई करने के लिए गए, और मुझे दे रखा है घर का काम। गौशाले का काम तो मैंने पूरा कर दिया है, अभी दूसरा काम मेरे को दे रखा है कि घसाई लिपाई करनी है। ना मैंने एक पतीले पे मिट्टी भिगोने के लिए भी रख दी थी, और मिट्टी अच्छे से भीग चुकी है, इसलिए पूरा लाल लाल कलर आ चुका है। लिपाई करने से पहले मैं दोबारा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह झाड़ू लगाया था, उसके बाद अभी दोबारा गंदा हो गया अंदर। तो एक बार फिर से अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। अभी ना घसाई लिपाई तो मैंने अच्छे से कर दी है, बाकी अभी ना मुझे दिन का खाना भी बनाना है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ना मैं लकड़ियाँ बहुत जरूरी होती है, तो मैं ना इसकी मदद से लकड़ियाँ काट रही हूँ। अभी ना मैंने लकड़ियाँ भी काट ली हैं, बाकी अभी दिन का खाना बनाने की तैयारी करते हैं। आज के दिन के खाने में मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी स्पेशल भटवाणी का साग और भात। मैंने बहुत टाइम से खाया भी नहीं था, और आज बनाते हैं, और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर भी करते हैं। ना मैंने खाना बनाने की यहाँ पे सारी तैयारियाँ भी कर दी हैं, बाकी सबसे पहले जलाते हैं आग। ये रही जिन पे हम आग जलाते हैं ना, इनको बोलते हैं दौरे भी बोलते हैं, चूल्हा भी बोलते हैं। अरे जंगलों से लाई जाती हैं बहुत दूर दूर से, और इन पे जब आग लगाते हैं तो एकदम से जल जाती हैं। ना मैंने यहाँ बाहर पे अच्छी से आग भी जला दी है, बाकी चूल्हे में मैंने तवा भी रख दिया है। तवा का भी दो बार बहुत जरूरी काम है। बाकी इस थाली पे मैंने निकाल रखे हैं मसाले। आज ना मैं मार्केट के मसाले यूज नहीं करूंगी, आज प्योर पहाड़ी स्टाइल में ही बनाएंगे खाना। तो ये रहा सबसे पहले घर के भट, जिनका आज हम साग बनाएंगे। ये सारे रहे घर के मसाले, ये रही घर की हल्दी, ये रहा धनिया, ये लाल मिर्च, ये लहसुन। तो अभी ना तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है, बाकी हम इन काले भटों को डाल देंगे तवे में, और हमको ना इनको अच्छे से सेक लेना है, वो भी एक कपड़े की मदद से ऐसे करके। अभी ना भट के दाने भी अच्छे से चटकने लग चुके हैं, इन पे ना आवाज़ आना भी शुरू हो चुकी है, तो हमें इन्हें ज़्यादा जलाना नहीं है, तो अभी हम उनको निकाल लेंगे। तो अभी ना भट भून के भी हमने उनको साइड में रख दिया है। अभी घर के मसाले भूनेंगे हम, धनिया, हल्दी और ये लाल मिर्च। और ये एकदम से ही डालते हुए अच्छे से भून गई, क्योंकि तवा हो रखा है बहुत ही ज़्यादा गर्म। और यहाँ डालते डालते पूरा धुआं छूटने लगा।
तो अभी ना हम चूल्हे से सीधे यहाँ पे सिलबट्टे पे आ चुके हैं, क्योंकि जो हमने अभी भट भुने थे हमको इन्हें ना सिलबट्टे में पीसना है। तो अभी ये गरम गरम है तो ये जल्दी पीसेंगे, तो अभी जल्दी से पीस लेते हैं। और इस सिलबट्टे को ना पहाड़ी मिक्सी भी कहा जाता है। तो अभी ना मैंने सिलबट्टे की मदद से भट भी अच्छे से पीस लिए हैं, तो इनको ना कुछ ऐसा पीसना है। तो अभी एक प्लेट पे इनको भी उठा लेते हैं। बारी है इन मसालों की, तो इनको भी पीसते हैं। यही हमारी घर की हल्दी, जिनको ना हमने सुखाने के लिए रखा था, पर अभी हमने कूटा नहीं था। इस हल्दी पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, क्योंकि ये घर की प्योर हल्दी है। अभी ये भी अच्छे से बारीक पीस चुके हैं, तो इनको भी उठा लेते हैं। कैमरे के पीछे भी आज पापा जी हैं, पापा जी वीडियो बना रहे हैं। पापा जी ना जब भी घर आते हैं तो हमसे घर के मसाले पिसवाते हैं। अभी ना घर के मसाले भी अच्छे से पीस लिए हैं, तो अभी इनको उठाते हैं। मसाले भी पीस चुके हैं और भट भी पीस चुके हैं और कढ़ाई भी चूल्हे में चढ़ चुकी है। तो अब डालेंगे हम कढ़ाई में तेल। हम सबसे पहले तेल, तेल गर्म होने के बाद मैंने कुछ बारीक बारीक प्याज काटना है, तो प्याज को डालेंगे। ना जहाँ पे मैं अभी खाना बना रही हूँ यहाँ पे ना धूप लगना भी स्टार्ट हो गया। ऐसे गर्मियों का मौसम चल रहा है तो इतनी ज्यादा धूप हो रही है ना, और आग भी जला रखी है साथ में, तो क्या करें, खाना तो बना नहीं है। बाकी साथ में मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ काटी थी बारीक बारीक। जैसे ही हल्का ब्राउन प्याज हो जाएगा वैसे हम डाल देंगे इसमें लहसुन की बारीक कलियाँ। बिना प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब डाल देंगे हमने जो ये पीसा था ना भट, तो इसको डाल देंगे इसमें। देर तक एक कड़छी अच्छे से चलाते रहेंगे, थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देंगे। और आग इतनी ज्यादा तेज जल रही है कि पता ही नहीं लग रहा है कि कब ये भुन जा रहा है। तो अब डालेंगे जो हमने घर पे पीसे थे ना मसाले, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, तो यही मसाले डालेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। सब कुछ हमारा घर का ही था, सिर्फ नमक था हमारा मार्केट का। दो तीन बार इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, उसके बाद हमारी भटवाणी बनके तो रेडी हो जाएगी। बिना जब तक यहाँ पे भटवाणी का साग बनता है तब तक के मैं यहाँ पे काट लेती हूँ हरी सब्जी। साग भी अच्छे से उबल चुका था तो मैंने इसको दूसरी कढ़ाई में डाल दिया है। बाकी इस वाली कढ़ाई में दोबारा बनाएंगे हम सब्जी, तो मैंने धोई नहीं, ऐसे ही चढ़ा दिया इसको चूल्हे में। अभी ना मैंने चूल्हे में कढ़ाई भी चढ़ा दिया और तेल भी डाल दिया है। बाकी मैंने हरी सब्जी भी काट दी है, मैंने ज्यादा बारीक नहीं काटी, मोटी मोटी काट रखी है। चावल में खाने के लिए ना मोटी मोटी सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। अभी तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम डाल देंगे इसमें सरसों के दाने, जो कि बहुत ही तेज चटकते हैं। यह है चौलाई की सब्जी, और चौलाई की सब्जी डाल देंगे हम सीधे कढ़ाई में। सब्जी में ना हमें ज्यादा कुछ नहीं डालना है, वैसे तो हमें मसाले भी नहीं डालने चाहिए, पर वो घर के पीस रखे थे तो इसलिए थोड़ा सा डाल दिया। बस इसमें अब नमक पड़ेगा। हरी सब्जी में ना पानी नहीं डाला जाता। अभी ना हम इसमें ढक्कन रख देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट। अभी ना साग और सब्जी बनके तो रेडी हो चुकी है, बाकी अब बारी है भात बनाने की, चावल बनाने की। तो अभी थोड़ा चावलों को साफ कर लेते हैं। बिना मस्त करके पहाड़ी स्टाइल में भटवाणी का साग, हरी सब्जी और चावल भी बन चुके हैं। बाकी भटवाणी का साग ना उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध साग माना जाता है, तो अभी गर्मा गर्म खाते हैं। और फुल पहाड़ी स्टाइल में बनाया मैंने भटवाणी का साग, तो कमेंट में जरूर बताना, बहुत मेहनत लगी है भाई, इतनी धूप में बनाया मैंने। तो पता नहीं किसका है, मेरे यार का बड़ा मस्त है। मैं ऊपर जा रही हूँ, देखो ऊपर आने की बहुत कोशिश करेगा। बेचारा सीढ़ी पे भी चढ़ गया, वो ये गया ना।
आ गया। इसने पता है पहले क्या किया, सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश की, फिर मैं फोन लेने गई नीचे, और अभी देखो ये आ गया। पहले तो इसको देख के डर लग रहा था, पर अभी सब कुछ ठीक है, क्योंकि बहुत खतरनाक दिखता है ना यार। ना खतरनाक कुत्ता है किसका ये तो मुझे पता नहीं है, पर ये बहुत ही अच्छा और भोटिया कुत्ता है। इसको देख के ना टाइटन की याद आ गई, आज टाइटन होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता ना। ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है, पर है बहुत ज़्यादा प्यारा, अपने शिकार की ओर ध्यान से देखते हुए, यह मुँह टेढ़ा करते हुए। कोई इतना लगाव हो गया ना हमसे, सीढ़ी में चढ़ता बेचारा चढ़ भी नहीं पा रहा, पर आ ही रहा। मतलब ये मेरे को छोड़ने नहीं वाला आज। अरे चढ़ भी नहीं मारा पैर। इसने ना हमको टाइटन की याद दिला दी। ऊपर जाने के लिए तो वो चला जाता था, पैर ऐसे चौड़े चौड़े करके रखता था, पर नीचे आने के लिए वो भी ऐसे ही डरामे करता था, क्योंकि आ ही नहीं पाता था। इसलिए ना हम उसको गोदी में लाते थे हर बार। अभी ये भी देखो चुपचाप वहीं पे बैठ गया, छोटा था इसलिए उसको ले आते थे। इस गेंडे को मैं कहाँ ले जाऊँ। बाकी अभी बाहर देखो पूरा मौसम ऐसे, आसमान में ऐसे बिजलियाँ कड़क रही है ना, पूरा मौसम गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, कब से बारिश स्टार्ट हो गई थी और आज तो बहुत तेज तेज बारिश लगी, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा धूप हुई थी उसके दुगना आज बारिश हो गई। बाकी यार देखो ये कौन आया, मैं बाहर आई रही थी, मम्मी को देखा मैं एकदम से डर गई। मम्मी पूरी एलियन बन रखी खतरनाक वाली, और बारिश हो रही है तो मम्मी जा रखी थी गौशाला गाय भैंसों के पास घास न डालने के लिए। से भी लोगों को तो गाय दिन में बहुत ज्यादा धूप हो रही थी, गर्मी हो रही थी, तो जैसे ज्यादा गर्मी होती है ना तो दुगनी तिगनी बारिश आती है, आज वही हुआ। बाकी मम्मी देखो हाथ पे कुरकुरा है, मम्मी ठस ठस कुरकुरा नहीं यार, बताओ क्या खेत में गई थी ना। अच्छा मिर्च हमारे खेत में लगी थी मिर्च, तो मम्मी हरी मिर्च भी ले आई और इसका पीसेंगे हम नमक मस्त करके।